दिस इज साहिल एंड वेलकम बैक टू एस्टर फिटनेस अरेना। सबसे पहले तो आप सभी को रमजान मुबारक एंड हैप्पी नवरात्रि टू। सो आज के हमारे जो टॉपिक है वो रमजान एंड नवरात्रि से रिलेटेड ही है। बहुत सारे लोग रमजान के रोजे रख रहे होंगे, तो मैं खास करके उनकी बात कर रहा हूँ जो जिमर्स हैं या फिटनेस को लेकर थोड़ा एक्टिव है। वो लोग खास करके रमजान के टाइम पे रोजे तो रखते हैं मगर थोड़ा इनसिक्योर हो जाते हैं वो अपनी फिटनेस को साथ साथ में कैसे मेंटेन करें। एंड नवरात्रि में भी नॉनवेज छोड़ दी जाती है एंड बहुत सारे लोग व्रत भी करते हैं। सो वो लोग का भी सेम क्वेश्चन था, मुझे कुछ लोगों ने जिम में ये क्वेश्चन पूछा तो ही मुझे आइडिया आया कि मैं इस पर एक वीडियो बना दूँ खास करके आप लोगों के लिए। सो आज के टॉपिक पे हम लोग यही बात कर रहे हैं कि आप कैसे रोजे रखते हुए व्रत करते हुए बिना नॉनवेज लिए आप फिटनेस को भी अपने मेंटेन कर पाओगे। सो आज का मेरा टॉपिक इसी पे है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, जो आपने थंबनेल में देखा होगा वो कोई झूठ नहीं है। मैं रमजान और नवरात्रि के शुभ अवसर पे आप लोगों को सिर्फ 99 में वर्कआउट प्लान एंड डाइट प्लान दे रहा हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा अगर आप रमजान में रोजे रखते हो तो उसके साथ आप अपने फिटनेस को कैसे मेंटेन करोगे उसी से रिलेटेड है, उसी पे है। एंड अगर आप नवरात्रि में उपवास भी कर रहे हो सो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा, जो आपके बॉडी वेट, आपकी बॉडी टाइप, साथ साथ आपकी सूटेबल जो भी आपको सूट करेगा उसके हिसाब से कस्टमाइज किया हुआ होगा। एंड आपकी डेली की जो भी रूटीन भी होगी ना कि आप जैसे कोई वर्क करते हो कोई जॉब करते हो तो उसके हिसाब से बिल्कुल आपके हिसाब से सूटेबल कस्टमाइज किया हुआ डाइट होगा जो कि आपको हेल्प करेगा रमजान में रोजे रखते हुए भी अपने फिटनेस को कैसे मेंटेन करें एंड उपवास कर रहे हो एंड वेज और नॉन वेज दोनों के लिए। तो अब बात करते हैं आपको ऑफर मिलेगा कैसे, तो इसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना है। आपके स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी की एक पेज आ रही होगी बिंग साहिल खान के नाम से, आपको उस आईडी पे जाना है एंड उसे फॉलो करके डीएम कर देना है। बाकी मैं आपको वहां पे जो भी डिटेल है आपको वो आपसे ले लूंगा, मैं आपको डीएम में वहां पे टोटल आपको रिप्लाई कर दूंगा। यहां पे मैं पर्सनली सबको नहीं कर सकता ना, सो वहां पे आप बस फॉलो करके उसे डीएम में कर देना, मैं वहां पे आपको बारी में डिटेल दे दूंगा। एंड हाँ, ये बिल्कुल 99 रुपए का ही है, कोई भी एडिशनल चार्ज, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ये फेक नहीं है। आपको बिल्कुल कस्टमाइजेबल डाइट चार्ट एंड वर्कआउट प्लान मिलेगा। सो अगर आपने वीडियो को लाइक किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आते हैं आज की टॉपिक के ऊपर जो कि है कि आप रमजान में कैसे रोजे रखते हुए अपने फिटनेस गोल को, अपने वर्कआउट को पूरा कर पाओगे। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था मैं उसका आंसर कर दूं कि क्या यह इंटरमिटिंग फास्टिंग है, तो नहीं है, बिल्कुल इंटरमिटिंग फास्टिंग नहीं है। क्योंकि इंटरमिटिंग फास्टिंग में आप जब फास्टिंग पे जाते हो कुछ टाइम के लिए तो आपकी बॉडी उस टाइम हाइड्रेट होती है, मगर रमजान के रोजे रखते हुए आपकी बॉडी हाइड्रेट नहीं होती क्योंकि आप बिल्कुल पानी भी नहीं पी सकते हो। मगर हाँ, ये एक फ्लेक्सिबल डाइट एंड एक बैलेंस डाइट की तरह ही है, बिल्कुल सेम ही है। तो हाँ, आप अपनी इफ्तारी के मजे लेते हुए भी अपने फिटनेस गोल को, अपने वर्कआउट गोल को पूरा कर सकते हो। मैं बताता हूँ आगे कैसे कर सकते हो। तो ऐसे तो हर देश का रोजे का टाइमिंग अलग अलग है, कहीं 10 घंटे का है, कहीं 12 घंटे का है। बात करें हमारे इंडिया की तो यहाँ 14 से 15 घंटे के बीच का है रोजा। सो इसको आप एज अ फैट लॉस फास्टिंग यूज कर सकते हो। ये बोनस उनके लिए जो अपनी फैट लॉस जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट किया हुआ है, अब गैप हो रहा है, तो ये बोनस है उनके लिए। बस थोड़ा सा अपनी डाइट में चेंजिंग करके इसको एज अ बोनस यूज कर सकते हो। तो पहले तो आप समझिए इस बात को कि जब आप कोई भी एक फैट लॉस प्रोग्राम को फॉलो करोगे एक अच्छे ट्रेनर का, सो वो देखिएगा कि आपको सजेस्ट करेगा कुछ टाइम के लिए भूखे रहने को। भूखा इन द सेंस कि आपकी मील के बीच का जो गैप का टाइमिंग होता है ना उसको बढ़ा देगा, मीन्स आपके 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के बाद अगली मील आएगी। सो मैं बिल्कुल ये लोकल लैंग्वेज समझा रहा हूँ, ये कोई इसके गलत मतलब ना निकाल दे कि मैं बोल रहा हूँ भूखे रहोगे तो आपकी फैट लॉस हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, भूख इन द सेंस ये था कि मील के बीच की गैप को बढ़ा देगा, मीन्स बस यही है कि आपकी भूखा रहना ज्यादा सजेस्ट करता है, बात इसी पे करते हैं। तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, आपने सुना होगा कि जब आप कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से कैलोरी नहीं लेते हो तो आपकी बॉडी आपके इंटरनल फैट्स को यूज करने लगती है एज अ फ्यूल आपकी बॉडी को वर्क करने के लिए। इसको कटोसिस प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें यही होता है कि आपकी बॉडी कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैलोरी पे रिलाई नहीं करती है एंड इंटरनली आपकी जो फैट्स है उसको एज अ फ्यूल यूज करने लगती है आपकी बॉडी को वर्किंग करने के लिए, यूज करवाने के लिए, आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ये अच्छा मौका है, मगर अब आप इसको यूज कैसे करोगे। सो आपके पास इफ्तारी से सहरी के बीच में ऑलमोस्ट 7-8 घंटे का गैप होता है। तो वैसे तो बहुत लोगों को
खाने का यही टाइम होता है। वैसे बहुत लोगों को ये लगता है कि रोजेदार इस टाइम के बीच में बिल्कुल खाते ही रहते हैं, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि नमाज वगैरह भी पढ़नी होती है तो उतना टाइम तो नहीं होता। मगर हाँ ये है कि आप उस बीच में 2 से 3 मील बिल्कुल ले सकते हो। सो अब बात करते हैं कि कर कैसे सकते हो आप इसको। सो इसके लिए मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, आपको जो सूट करे, आपके लिए जो सूट करे, जो आपको लगे आप कर पाओगे आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो एक तो आप ये कर सकते हो कि आप इफ्तारी से 1 से 1.5 घंटे पहले आप वर्कआउट कर लो। खास करके जिनको फैट लॉस करना है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये, बेस्ट टाइम होगा आपके लिए। इफ यू आर एबल टू डू इट देन डू इट, ये आपके लिए बेस्ट टाइम होगा। एंड दूसरा आप ये कर सकते हो कि आपकी ईशा की नमाज जब आप पढ़ लेते हो ना, उसके बाद आप 1 से 1.5 घंटे के बीच में आप वर्कआउट उस टाइम पे कर सकते हो। अब अगर आपको ये मतलब बेतुका लगे, कोई सेंस नहीं लगे, तो अब आप अगर ये दोनों टाइम में भी नहीं कर पाओगे ना, तो इसके लिए आप एक चीज और कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूं कि आप अपनी डाइट में बस थोड़ा बहुत चेंजिंग कर लो, तो उससे भी आपको कुछ हद तक आपकी वेट लॉस जर्नी में हेल्प मिलेगी। एंड जो मसल गेनिंग वगैरह के लिए, तो ये मसल गेनिंग के ऊपर तो वीडियो नहीं है, मगर उसके लिए भी ये चीज हो सकती है। मैं वैसे उस पर अगर आप बोलोगे तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसमें आप ये कर सकते हो कि आप डाइट लेके, अच्छी एक डाइट लेके मेंटेन जरूर कर पाओगे। गेनिंग तो बहुत अच्छी नहीं कर पाओगे आप, फैट ज्यादा गेन हो जाएगा, मगर आप मेंटेन जरूर कर पाओगे एक अच्छी डाइट में चेंजिंग करके। बोलोगे तो मैं एक कॉमन डाइट प्लान बता दूंगा मसल गेन एंड फैट लॉस दोनों के लिए। कमेंट करना अगर आपको वीडियो चाहिए, उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो दे दूंगा। एंड अगर आपको आपके हिसाब से कस्टमाइजेबल डाइट चार्ट चाहिए, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आप मेरे को इंस्टा पे डीएम कर देना, मैं आपको वहां पे बता दूंगा कैसे आपको आपकी हाइट वेट के हिसाब से कस्टमाइज बिल्कुल आपके लिए, जो आपको बहुत हेल्प करेगी। सो वैसे ये ऑफर सिर्फ रमजान एंड नवरात्रि के लिए, इसका लास्ट डेट सिर्फ 25 तक ही होगा, 25 अप्रैल लास्ट डेट होगा। इसके बाद मैं इस चार्ज पे डाइट चार्ट या डाइट प्लान नहीं बनाऊंगा। तो ये ऑफर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, 1 मंथ का टाइम है। सो होप आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नया जानने को मिला हो, कुछ हेल्प मिली हो। सो आई विश कि रमजान में नवरात्रि में आपको आपकी जो भी फिटनेस गोल हो, जो भी डाइट का गोल हो, जो भी आपको अचीव करना हो फिटनेस गोल में, वो आप में उससे हमें आपको हेल्प मिले। बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो दिस इज साहिर साइनिंग ऑफ।